चक्रवात तूफान तोकते सोमवार को मुंबई समेत महाराष्ट्र में अपना तांडव मचाने के बाद तेज हवाओं के साथ बढ़ते हुए गुजरात पहुंचा। गुजरात के समुद्री तट पर ये तूफान जब टकराया उस समय 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसके बाद गुजरात में तेज बारिश शुरू हो गई थी। अब गुजरात के बाद इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने तो हरियाणा में 19 और 20 मई को बारिश का अनुमान लगाया है। ये जो चक्रवातीय तूफान जो है टाउते, ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था। ये ऑलरेडी गुजरात तट को हिट कर चुका है और चूंकि ये सरफेस को हिट चुका, मतलब कि सरफेस को हिट चुका है, अब ये सी पर नहीं है, तो धीरे धीरे अब ये वीक होता जा रहा है। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से पहले वेरी सीवियर, फिर सीवियर, फिर साइक्लोन, फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है कल सवेरे तक ये डिप्रेशन में कन्वर्टेड हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी ये इतना ऐसा ये साइक्लोन था कि इसका हरियाणा और पंजाब जहाँ जहाँ रास्ते में, इस पर इसका इफेक्ट पड़ने ही वाला है। और एक्सपेक्टेड है कि इसके चलते 19 और 20 तारीख को हरियाणा में और पंजाब के खासकर साउथ, नॉर्थ ईस्ट पंजाब, मतलब एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो हरियाणा है, वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और 40-50 किलोमीटर के रफ्तार से किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग ये सभी हो सकते हैं 19 और 20 को। देखिए अभी जो अभी दो ऑलरेडी वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, एक जम्मू पर है और दूसरा भी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस, एक 3.1-3.6 किलोमीटर पर है, 5.1 किलोमीटर पर है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस ऑलरेडी है तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन टाउते इतना स्ट्रांग है कि उसको ये नलीफाई कर देगा। तो अभी मैक्सिमम इफेक्ट आपको इसी का पड़ने वाला है, लेकिन उसके बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस के इफेक्ट के कारण आपको 19-20 के बाद यहाँ पर कुछ आइसोलेटेड प्लेस पर तो बारिश होगी। मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह का कहना है कि साइक्लोन का असर कम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव हरियाणा पर भी पड़ने वाला है। तोकते के चलते प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 19 और 20 मई के बाद कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।